जो इनके बुजुर्ग थे वो तो जो है हिंदू ही थे, महाराजा रणजीत सिंह तो सिंह बाद में लिखे जाने लगे, पहले सभी नाम जो है हिंदुओं के नाम पे हैं इनके। वो बताइए नाम कैसे थे? जैसे तारा राजरूप का लड़का। अच्छा, ये आगे क्या लगाते होंगे? बस साहसी, अच्छा, जट साहसी, ठीक है, गांव राजे साहसी। इनके लड़के लिखे हैं महाराजा रणजीत सिंह के, पहले पोते हैं इनके नौनिहाल सिंह। अच्छा जी, नौनिहाल सिंह के पिता हैं खड़ग सिंह, ठीक हो गया, खड़ग सिंह के पिता हैं रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह के पिता महा सिंह जी, महा सिंह के पिता चढ़त सिंह जी, और चढ़त सिंह के पिता लिखे हैं यहाँ पे साहब राय, ठीक है। इसमें इनका जिक्र भी है कि ये किस शहर से संबंध रखते थे गुजरावाला के अलावा? नहीं, राज्यशासी अमृतसर जिले के बीच। अच्छा, में सारा ही अमृतसर का शिजरा है, वहीं से जो है कहीं कहीं गए हैं। एक कैथल जिले में एक सांगण गांव है, ठीक है, एक परिवार वहां से राज्यशासी से यहां भी आ गया था, ठीक हो गया, और एक दुआबे के बीच में पद्दीपोसी गाँव है होशियारपुर जिले में, एक परिवार वहां पे आ गया था। महाराजा रणजीत सिंह का कभी पेवा आगमन हुआ? वो जो है जब यहाँ पे आए तो उनके पुरोहित को तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह बार बार कहना शुरू कर दिया। तो कहते हैं बुजुर्ग कहते थे हमारे कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये कहा कि तू जो असली लिखा है जैसे मैं पहले लिखवा के गया था वही बता। अच्छा, तो क्या था वहां लिखा था? रणजीता काणा साथ, माता कोई आई थी उनकी, उनके साथ, तो उसके साथ वो बचपन में आए थे। अच्छा अच्छा, और वो लिखा है कि रणजीता काणा साथ। एक अरसे के बाद मैं फिर से पेवा में और विनोद जी के साथ, जिनके साथ ऑलरेडी आप कुछ चीज़ें देख चुके हैं पेवा के हवाले से, और आज जब मैं यहाँ आया था खंडूजा परिवार की जानकारी लेने के लिए, तो मुझे लगा कि खंडूजा परिवार के अलावा भी इनके पास बहुत कुछ है। तो इन्होंने बताया कि मेरे पास महाराजा रणजीत सिंह जी का पूरा वंश वृक्ष है, तो जिसे हम वंशावली कहते हैं और उर्दू में उसे शिजरा कहते हैं। तो विनोद जी, आप इस बेशकीमती खजाने का जिक्र हमसे कीजिए, बताइए आखिरकार ये वंश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर पहुँचता है? यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है वो गांव राज्य सासी अमृतसर के पास लिखा है। जो इनकी जो जाति है वो साहसी जाट है, साहसी जाट। अच्छा, जाट सिख, पर पुराने जो बुजुर्ग हैं इनके वो सिख नहीं थे। सिख नहीं थे? हाँ, तो हिंदू? हाँ, हिंदू ही थे वो। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम महा सिंह है, ठीक हो गया, महा सिंह के पिता हैं चढ़त सिंह, ठीक हो गया, चढ़त सिंह के पिता हैं बूढ़ सिंह, ठीक हो गया, और बूढ़ सिंह के पिता हैं नोदा, नोदे का पिता है, पर एक यहाँ चढ़त सिंह और भी मिलते हैं, उनका चढ़त सिंह के पिता हैं साहब राय, ठीक है जी, साहब राय के पिता हैं फतेह चंद। जो इनके बुजुर्ग थे वो तो जो है हिंदू ही थे, महाराजा रणजीत सिंह तो सिंह बाद में लिखे जाने लगे, पहले सभी नाम जो है हिंदुओं के नाम पे हैं इनके। वो बताइए नाम कैसे थे? जैसे तारा राजरूप का लड़का। अच्छा, ये आगे क्या लगाते होंगे? बस साहसी, अच्छा, जट साहसी, ठीक है, गांव राजे साहसी। इन्होंने ही जो है किला शोभा सिंह, किला मज्जा सिंह, ऐसे जो है जो इनके जो परिवार में थे उन्होंने अपने अपने नाम से गाँव भी बसाए। वो गुजरांवाले जिले में गांव है, ठीक हो गया, पर इनकी जो निकासी है वो राजे साहसी से ही है। गांव राजा बने ये तो राजा लिखा गया साहसी, और बाकी जो इनके परिवार थे वो सरदार कहलाते थे अपने आप को, जो बाद में, हाँ, जो बाद में इनके परिवार के ताऊ चाचों के लड़के थे वो सरदार कहलाते थे, वो अपनी सेना साथ रखते थे। ठीक है, ये साहसी है या सहसी है? साहसी एक जात अलग है जो एससी में आती है, वही वो जाति अलग है। अच्छा, इनकी जो है साहसी जाट है, जट सिख, ठीक है, साहसी मतलब बहादुर, बहादुर। अच्छा, तो इसमें कितने वंश, कितना जिक्र आता है, कहाँ तक पहुँचता है, कितने पीढ़ियाँ हैं? इनके लड़के लिखे हैं महाराजा रणजीत सिंह के, पहले पोते हैं इनके नौनिहाल सिंह। अच्छा जी, नौनिहाल सिंह के पिता हैं खड़ग सिंह, ठीक हो गया, खड़ग सिंह के पिता हैं रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह के पिता महा सिंह जी, महा सिंह के पिता चढ़त सिंह जी, और चढ़त सिंह के पिता लिखे हैं यहाँ पे साहब राय। ठीक है, इसमें इनका जिक्र भी है कि ये किस शहर से संबंध रखते थे गुजरांवाला के अलावा? नहीं, राज्यशासी अमृतसर जिले के बीच। अच्छा, में सारा ही अमृतसर, हाँ, का शिजरा है, वहीं से जो है कहीं कहीं गए हैं। अच्छा, एक कैथल जिले में एक सांगण गाँव है, ठीक है, एक परिवार वहाँ से राज्यशासी से यहाँ भी आ गया था, ठीक हो गया, और एक दुआबे के बीच में पद्दीपोसी गाँव है होशियारपुर जिले में,
एक परिवार वहाँ पे आ गया था। तो इनका उस तरफ कब जागवन हुआ, वहाँ पे ये कब गए होंगे जब रावलपिंडी या लाहौर का इलाका था? बस ये जो है लगभग 150-200 साल के बीच में की बात है जब गए वहाँ पे। ठीक है, लगभग 200 साल पहले इससे 250 साल के जो है हमारे पास नाम लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर जो नाम है वो सदानंद लिखा हुआ है, हिंदू नाम है। हाँ, हिंदू नाम है। उसके बाद फिर जो है सारे नाम बाद के हैं। इस पूरे सफ़े के अंदर, इस पूरे पेज के अंदर क्या सिर्फ वंशावली ही है? ये सारी वंशावली है और साहसी परिवार की ही वंशावली है। ये कब कब आए वो भी लिखा है? हाँ, वो लिखा है, जरा बताएं। सबसे आखिरी और सबसे पहला, और ये किस लिए आए होंगे? जैसे मैंने यहाँ पे कोई माई दयाकोर आई एक बार, तो माई जयकोर, दयाकोर हाँ, अपनी नानी की गति कराने के लिए या उनके साथ आई होगी। उनके साथ काकू राम के काकू ब्राह्मण भी साथ में आए थे कोई। ठीक है, और ये और सन कब है मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक जो है माई, ये भी दयाकोर ही आई है यहाँ भी, चढ़त सिंह की घरवाली के फूल लेके आई, पर उनका नाम नहीं लिखा। ठीक है, ब्राह्मण हीरा साथ में आए। अच्छा, उसके बाद फिर मेहर सिंह पुत्र रड़ा, माई दतार कोर आई कोई यहाँ, वो भी किसी स्त्री के फूल लेके आई, कोई औरतों की, कोई उनके परिवार में। ये कोर हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये अब सिख धर्म में आ चुके हैं। हाँ, ब्राह्मण हीरानंद साथ में आए, उनके पुरोहित होंगे। ठीक, क्यों वही हीरा ब्राह्मण ही साथ आ रहे हैं। उसके बाद फिर जजमान बिलास कोर के फूल लेके शेर सिंह की घरवाली के ब्राह्मण काना आया कोई। अच्छा, वो अपने इनके परिवार के ही जो है। इसमें तारीख सन मेंशन 1883 विक्रमी संवत लिखे हैं। अच्छा, विक्रमी संवत। हाँ, तो कितना बना? चैत्र के महीने में आए यहाँ पे। अच्छा, पूर्णिमा को। 1883 कितना बना? हाँ, हिंदी में इसमें 58 घटा दो। अच्छा। उसके बाद जो है फिर माई धनकोर के फूल लेके आया कोई यहाँ पे, रामजित्ता साथ में आया। उसके बाद जो है फिर केसर सिंह, बिशन सिंह, मुल्तान सिंह के लड़के। अच्छा, मुल्तान सिंह भी रणजीत सिंह के लड़के थे। अच्छा, केसर सिंह, किशन सिंह आए अर्धकुंभी को जाते हुए, हरिद्वार को जाते हुए। ठीक है, माई रतन कौर, माई चंद कौर, उनकी किसी की घरवाली होगी, प्रेम कौर और अतर कौर, भाई टिक्कर सिंह, हाड़ा सिंह और ज्वाला देवी, सावन सिंह, ये साथ में आए थे। ठीक हो गया। मेहर सिंह माई रतन कौर के फूल ले आया कोई ब्राह्मण मेहर सिंह। इनके रिश्ते लिखे हैं ये कौन कौन, क्या क्या था किसी का? ये जो केसर सिंह मुल्तान सिंह के लड़के हैं, मुल्तान सिंह रणजीत सिंह के लड़के हैं। अच्छा, ऐसे ही नोनिहाल सिंह खड़क सिंह के लड़के हैं, खड़क सिंह रणजीत सिंह के लड़के हैं। अच्छा, तो महाराजा रणजीत सिंह का कभी पेवा आगमन हुआ? कहते हैं कि आए थे यहाँ पे। अच्छा, पर बही के बीच में तो कोई मेरे को मिला नहीं है। ठीक है, वो जो है जब यहाँ पे आए तो उनके पुरोहित को, तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह बार बार कहना शुरू कर दिया। तो कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे हमारे, कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये कहा कि तू जो असली लिखा है, जैसे मैं पहले लिखवा के गया था, वही बता। अच्छा, तो क्या था वहाँ लिखा था? रणजीता काना साथ, माता कोई आई थी उनकी, उनके साथ, तो उसके साथ वो बचपन में आए थे। अच्छा अच्छा, और वो लिखा है कि रणजीता काना साथ, क्यों एक आंख नहीं थी महाराज रणजीत सिंह की बचपन से ही। हाँ, तो वो उन्होंने जिद करके जो है वो पढ़ा हुआ, जो लिखा हुआ था वो पढ़वाया पुरोहित से। हाँ, जबकि वो तो महाराजा बन गए थे। ठीक हो गया। तो वो डर रहे थे पुरोहित भी कि मैं अगर असली पढ़ दिया क्या पता क्या क्या दे। तो उन्होंने असलियत पढ़वा के वही से, और फिर उनको दान दिया। अच्छा जी। और दान देने के बाद ये कहते हैं कि उनके मुख से ये निकल गया कि पंडित जी आज के बाद कोई ऐसा दान देने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या दिया ऐसा? जो भी दिया था उन्होंने। अच्छा, तो उनके पुरोहित ने 1 रुपया निकाल के उसके ऊपर रख के वो सारा का सारा त्याग कर दिया। ओहो, कमाल। कि जाओ मेरे जैसा त्याग वाला भी है, जिसको मर्जी दे दो। तो जो फिर ये शेर को सवा शेर मिल गया। हाँ, उन्होंने फिर ये कहते हैं कि ये जो गुरुद्वारा 6वीं 9वीं पातशाही, ये गुरुद्वारा उस समय उस पैसे से बनाया गया था। अच्छा, वो पैसा तो उन्होंने दे दिया। हाँ, था वो पैसा तो दे दिया। हाँ, उन्होंने वापस कर दिया पुरोहित ने।
तो उस पैसे से वो जो है ये गुरुद्वारा कहते हैं कि बनाया गया था। ठीक हो गया, इसका ये इतिहास है। ये 6 महीने 9 महीने से जो बादशाही गुरुद्वारा है, कहते हैं कि पहली बार ही जो है उस पैसे से एक पैसा गुरुद्वारा बनाया। अच्छा, आप ही के यहाँ पर जो एक हवेली है जिसे कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का एक करिंदा था जल्ला जल्ला। नहीं, वो महाराजा रणजीत सिंह का नहीं, पटियाले वाले राजा का। अच्छा, पटियाले वाले राज्य का था वो, उनके राजज्योतिषी थे। राजज्योतिषी थे, उन्होंने वो दी थी हवेली। उन्होंने वो हवेली बना के जो है गांव वाले के लिए और जो आने जाने वाले हैं उनके लिए बनाई गई थी वो। ठीक ठीक। और पुरोहितों को दे दी थी कि जब भी हम आए तो हम यहाँ रहें। बहुत बड़ी हवेली है, अब तो लगभग 30,000 गिर चुकी है। तो महाराजा रणजीत सिंह का यहाँ पे तारीख मेंशन नहीं है? नहीं, 1896 लिखा है, तारीख लिखी है, 1923 लिखा है। ये कोई माई सदा को राई खुशी के स्नान भाई आला सिंह गुलाब नौकर साथ में आए। हाँ, पुरोहित गंडा पेवक्यां का साथ में आया। ये साथ में जो आए ये तो हो ही लोग हो गए। क्या महाराजा रणजीत जी की तारीख भी मेंशन है इसमें? नहीं, वहाँ उनकी नहीं है, उनकी मेंशन नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देवा सिंह की सास आई कोई माई करम कोड़ यहाँ पे। देवा सिंह शेर सिंह के लड़के, शेर सिंह रणजीत सिंह के लड़के, वो ठहरे होंगे हमारे पास बुजुर्गों के पास। तो वहाँ पे फिर बख्शीर सिंह है कोई, महाराजा रणजीत सिंह के कई लड़के थे ना, इनकी शादियाँ भी 8-9 शादियाँ हुई थी। तो इसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह की ये भी मेंशन है कि कितनी शादियाँ थी? नहीं, ये नहीं है, बड़ा सारे अलग अलग लिखे हैं। गुलाब सिंह आए अपनी बोटी नारायण कोड़ के करम कराए फूल लेने के लिए, शुद्ध नारायण बलि कराने के लिए, प्रसूत में बच्चा होकर गुजर गई थी वो। अच्छा, गुलाब सिंह जो थे वो बख्शीर सिंह के लड़के थे, बख्शीर सिंह महाराजा रणजीत सिंह के लड़के थे। ठीक हो गया। उनके पोते ही आए हैं बाकी जो हैं, कि जो मेन उनके लड़के थे उन वो तो ईसाई बन गए थे, वहाँ चले गए थे, इंग्लैंड में चले गए थे, अंग्रेज ले गए थे उनको। तो ठीक हो गया। तो बाकी जो उनके परिवार के और थे, उनकी और पत्नियाँ थी, वो जो है सारे यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी। और अब तो कोई आते ही नहीं उनके परिवार से। अच्छा, उन लोगों को पता भी नहीं होगा शायद ना, पता है या नहीं, क्या पता है। तो ये तो हुआ महाराजा रणजीत सिंह का। तो इसके अलावा ऐसी खास शख्सियत की आपके पास और क्या है, किन का है? हमारे पास एक भड्डू के राजा थे। अच्छा, जम्मू में भड्डू है। हाँ, भड्डू उसके राजाओं का है। अच्छा, एक ढोलबहा गांव है होशियारपुर जिले में। ठीक है, ढड़वाल राजपूत है वहाँ पे। हाँ, हाँ। वहाँ भी राजा थे। हाँ। उनका भी है हमारे पास। ये भी सिखी है? नहीं, राजपूत है वो। अच्छा, राजपूत है। ठीक है, वो भी राजपूत है, भड्डू वाले भी, और ये भी राजपूत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनाब जी, ये थी वो जो मुझे मजबूर कर गई कि मैं विनोद जी के साथ बैठ के इस पे बात भी करूं और आप लोगों को भी बताऊं और मैं खुद देखूं सबसे बड़ी चीज़। और इनके पास जो खजाना है उसी खजाने में से एक और चीज़ आपके सामने अगले वीडियो में।